सब्सक्राइब कीजिए ऑनलाइन सहायता को और बेल के आइकन पे क्लिक कीजिए हर रोज लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डोमेन नेम कैसे खरीदते हैं। जैसे कि GoDaddy.com, ये एक डोमेन है, तो इस तरह का डोमेन आप अपनी वेबसाइट या फिर ब्लॉग के लिए कैसे खरीद सकते हैं। वैसे तो डोमेन नेम खरीदने के लिए बहुत सारी वेबसाइट हैं, लेकिन मैं आपको GoDaddy की वेबसाइट से बताने वाला हूँ कि डोमेन नेम कैसे खरीदते हैं। तो सबसे पहले आप गूगल में टाइप कीजिए GoDaddy, या फिर आप अपने ब्राउजर में ऊपर टाइप कर दीजिए www.godaddy.com। ओके, उसके बाद ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब इस वेबसाइट में आपको यहाँ पे सर्च डोमेन के नाम से ऑप्शन मिल जाता है, तो आप इसके अंदर एक बार क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप जिस नाम से डोमेन सर्च करना चाहते हैं या फिर खरीदना चाहते हैं वो नाम यहाँ पे डाल दीजिए। यानी कि आप अपने ब्लॉग का नाम या फिर अपनी वेबसाइट का नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो चलिए, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ऑनलाइन सहायता, यानी कि अपने चैनल का नाम, अपने ब्लॉग का नाम। ओके, और एक बात का आप यहाँ पे ध्यान रखें, कभी भी आप यहाँ पे नाम डालें तो नाम के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। जैसे कि मेरा चैनल का नाम है ऑनलाइन सहायता, तो ऑनलाइन और सहायता के बीच में स्पेस आता है, लेकिन जब मैं यहाँ पे नाम डालूंगा तो ऑनलाइन और सहायता के बीच में स्पेस नहीं होगा। यानी कि आपको बीच में स्पेस नहीं देना है। ओके, इन दोनों को मिला के लिखना है। नाम लिखने के बाद आपको सर्च डोमेन पे क्लिक कर देना है। अब देखिए, जिस डोमेन को आप यहाँ पे सर्च कर रहे हैं वो पहले से किसी ने ले लिया है या फिर खरीद लिया है, तो आपको यहाँ पे ये एरर शो करेगा, सॉरी ऑनलाइन सहायता .com इज टेकन, यानी कि ऑनलाइन सहायता .com डोमेन पहले से किसी ने खरीद लिया है। लेकिन इसके अलावा .com के अलावा और जो भी डोमेन है वो आपको यहाँ पे नीचे दिखा दिए जाएंगे। लेकिन इसके अलावा जो भी डोमेन है, यानी कि .com के अलावा और जितने भी डोमेन है, उन सभी की लिस्ट आपको यहाँ पे नीचे दिखा दी जाएगी। लेकिन इस लिस्ट के अंदर आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको अपनी वेबसाइट की स्पेलिंग चेक कर लेनी है, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई एक करेक्टर चेंज करके दिया हो सकता है। ओके, तो आपको इस बात का ध्यान रख लेना है। तो यदि आपको इस लिस्ट के अंदर से कोई भी डोमेन पसंद आता है तो आप यहाँ से इसको खरीद सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे जो डोमेन आपको चाहिए वो डोमेन आप लगा सकते हैं। आपको .com चाहिए, .in चाहिए, .co चाहिए, .org चाहिए, .net चाहिए, जो भी डोमेन चाहिए वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें यहाँ पे ऑनलाइन सहायता .co चाहिए, तो हम यहाँ पे इसके आगे लगा देंगे ऑनलाइन सहायता .co। ओके, उसके बाद इसे सर्च करेंगे। अब देखिए, यदि ये डोमेन अवेलेबल है तो यहाँ पे आपको मिलेगा यस योर डोमेन इज अवेलेबल, और उसके बाद आपका डोमेन है आपको यहाँ पे मिल जाएगा और उसके सामने आपको इसकी प्राइस मिल जाएगी और प्राइस के नीचे आपको इस प्राइस की जो कंडीशन है वो दे दी जाएगी। तो देखिए, यहाँ पे इस डोमेन की जो प्राइस है वो ₹99 यहाँ पे बता रखी है, लेकिन जो इसकी जो कंडीशन है वो नीचे देख लीजिए पहले। तो देखिए, इसकी जो कंडीशन है वो ये है कि व्हेन यू रजिस्टर फॉर 2 इयर्स और मोर, फर्स्ट ईयर प्राइस ₹99 और एडिशनल ईयर्स प्राइस ₹2,257। यानी कि इस डोमेन को आप 2 साल के लिए खरीदते हो तो पहले साल आपके लगेंगे ₹99 और उसके बाद आपके लगेंगे ₹2,257। और देखिए, यहाँ पे इस डोमेन के आगे .co लगा हुआ है, तो इसी की प्राइस यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलेगी। जैसे कि देखिए, मैं यहाँ पे co की जगह net यानी कि नेट लगा देता हूँ, तो इसकी प्राइस है वो चेंज हो जाएगी। देखिए, हम इसे सर्च करते हैं। अब देखिए, इसकी जो प्राइस है वो यहाँ पे चेंज हो गई है। इसी तरह से यहाँ पे आप यदि .org लगाएंगे तो उसकी भी प्राइस यहाँ पे चेंज हो जाएगी। अब देखिए, यहाँ पे .org की जो प्राइस है वो भी यहाँ पे चेंज हो गई है। तो आप अपने वेबसाइट के नाम के आगे यहाँ पे जो भी लगाओगे .com, .in, .org, .net, उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे प्राइस शो करेगा। जैसे कि देखिए, मैं आपको यहाँ पे .com और .in की प्राइस और दिखा देता हूँ। जैसे कि देखिए, हम यहाँ पे कोई दूसरा डोमेन यहाँ पे सर्च करते हैं, जैसे कि डोमेन सहायता, और इसे सर्च करते हैं। तो देखिए, डोमेन सहायता .com यहाँ पे अभी अवेलेबल है, तो इसकी जो प्राइस है वो भी यहाँ पे ₹99 दिखा रखी है। तो देखिए, इसकी जो कंडीशन है वो ये है कि यदि आप इसे 2 साल के लिए खरीदते हो तो आपको पहले साल इसके लिए देने होंगे ₹99 और अगले साल के लिए आपको इसके लिए देने होंगे ₹959। इसी तरह से यदि हम यहाँ पे .in के लिए सर्च करते हैं तो देखिए उसकी प्राइस क्या होगी। देखिए, .in के लिए यहाँ पे प्राइस है ₹199। यदि आप इसे 2 साल के लिए खरीदते हो तो आपको पहले साल इसके लिए देने होंगे ₹199 और दूसरे साल के लिए आपको इसके लिए देने होंगे ₹599। तो इस तरह से प्राइस के नीचे यहाँ पे प्राइस की कंडीशन दी होती है, तो आप इसे एक बार जरूर देख लें। ओके, अब देखिए इसे खरीदना कैसे है। तो आप एड चार्ट पे क्लिक कर दीजिए। मान लीजिए आपको ये डोमेन पसंद आ गया है और इसकी जो प्राइस है वो भी आपको पसंद आ गई है, तो आप एड चार्ट पे क्लिक कर दीजिए।
देखिए ये जो डोमेन है वो ऐड हो गया है। इसके बाद आपको कोई और डोमेन खरीदना है तो वो भी सर्च कर लीजिए और ऐड चार्ट पे क्लिक कर दीजिए। यदि आपको सिर्फ एक डोमेन खरीदना है तो आप कंटिन्यू टू चार्ट पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ये आपसे यहाँ पे कुछ और पूछेगा, जैसे कि आप होस्टिंग लेना चाहते हैं, ईमेल आईडी खरीदना चाहते हैं या फिर जो भी खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे ये कुछ पूछेगा। तो इसके अंदर आप यहाँ पे नो थैंक्स और नो थैंक्स डाल दीजिए, ओके, क्योंकि हमें इन सभी की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको कंटिन्यू विद दिस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका जो डोमेन है वो दिखाया जाएगा कि आपका डोमेन नेम क्या है, और उसके बाद यहाँ पे आप कितने साल के लिए लेना चाहते हैं वो दिखाया जाएगा। उसके बाद आपकी जो प्राइस है वो किस तरह से इस डोमेन के लिए लगाई गई है वो आपके यहाँ पे दिखाई जाएगी, और जो टोटल प्राइस है वो यहाँ पे दिखाई जाएगी। और यदि आप इस डोमेन को 2 साल से ज्यादा लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, और जितना साल का लेना चाहते हो उतने साल का ले सकते हो। कम से कम आप 1 साल के लिए ले सकते हो और ज्यादा से ज्यादा 10 साल के लिए। यदि आप 10 साल के लिए लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे 10 ईयर्स पे क्लिक कर दीजिए, तो आपकी जो प्राइस है वो 10 साल के हिसाब से यहाँ पे काउंट कर दी जाएगी। यदि आप 1 साल के लिए लेना चाहते हो तो यहाँ पे 1 ईयर पे क्लिक कर दीजिए, तो आपकी जो प्राइस है वो 1 साल के हिसाब से यहाँ पे काउंट कर दी जाएगी, ओके। और जो ऑफर वहां पे बताया गया था 199 रुपए में, वो यहाँ पे 2 ईयर्स के लिए था, ओके। तो हम 2 ईयर्स पे क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पे 199 रुपए फर्स्ट ईयर, ओके, और सेकेंड ईयर के लिए 599, ओके, तो यहाँ पे बता दिया गया है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यदि आपने पहले से ही GoDaddy पे एक अकाउंट बना रखा है तो आप यहाँ पे साइन इन कर लीजिए। यदि नहीं बना रखा है तो आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिल जाता है क्रिएट एन अकाउंट, तो आप इस पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे अपनी डिटेल्स डाल के आप एक अकाउंट बना लीजिए। और अकाउंट बनाते समय आपको यहाँ पे एक पिन डालना होता है, सपोर्ट पिन, ओके, जो कि 4 डिजिट का होता है। तो ये पिन आप अपने हिसाब से यहाँ पे डाल सकते हैं, और आपको यहाँ पे 4 नंबर डालने होते हैं, और ये पिन आप कहीं पे संभाल के रख लीजिए क्योंकि इस पिन की जरूरत आपको आगे पड़ सकती है। अकाउंट बनाने के बाद आप इस पेज पे पहुंच जाओगे। अब यहाँ पे आपसे बिलिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछा जाएगा, तो आप यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम डाल दीजिए, लास्ट नेम डाल दीजिए, आपकी जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पे डाल दीजिए, आप अपनी कंट्री यहाँ पे डाल दीजिए, आपका एड्रेस है वो यहाँ पे डाल दीजिए, आपके जो पिन कोड नंबर है वो यहाँ पे डाल दीजिए, सिटी यहाँ पे डाल दीजिए, स्टेट यहाँ पे डाल दीजिए, और जो आपके मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे डाल दीजिए। मोबाइल नंबर डालने से पहले आप अपनी कंट्री का जो कोड है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। अपना एड्रेस डालने के बाद आपको यहाँ पे पेमेंट इन्फॉर्मेशन के नाम से ऑप्शन मिल जाएगा पेमेंट करने के लिए। जिस ऑप्शन से यहाँ पे पेमेंट करना चाहते हैं उस ऑप्शन से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हो, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हो, यूनियन पे से भी कर सकते हो, कैश कार्ड से भी कर सकते हो, मोबाइल पेमेंट से भी कर सकते हो। तो आपको इनमें से जो ऑप्शन पसंद हो उस ऑप्शन से पेमेंट कर सकते हो, ओके। तो पेमेंट ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और अपना पेमेंट कर देना है। ये स्टेप कंप्लीट होने के बाद आप अपने डोमेन का इस्तेमाल अपने ब्लॉग या फिर वेबसाइट में कर सकते हो। अपने ब्लॉग या फिर वेबसाइट में डोमेन को कैसे ऐड करते हैं या फिर इस डोमेन का इस्तेमाल अपने ब्लॉग या फिर वेबसाइट में कैसे करते हैं, उसके लिए मैं 1 या 2 दिन में वीडियो बना के अपने चैनल पे डाल दूंगा, ओके। यदि अभी भी आपके कुछ सवाल है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हो, और इस वीडियो के नीचे मैं आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, तो यदि आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन यदि आप मुझे पहली बार व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपना नाम मुझे बताएं, उसके बाद आपका जो भी सवाल है वो आप मुझसे पूछ सकते हो। कभी कभी हो सकता है कि मैं आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई थोड़ा लेट करूं, लेकिन मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। और यदि आप फेसबुक यूज करते हैं तो मैं आपको मेरे फेसबुक का लिंक इस वीडियो के नीचे दे दूंगा, तो आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक जरूर करें, और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको मेरी वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, तो एक बार आप मेरी वेबसाइट पे जाके जरूर देखें। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए।